तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा की, जावा बोबर 42 बाइक की, जो कि आप हमारे सामने देख सकते हैं। काफ़ी शानदार लग रही है और काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें आपको फीचर देखने को मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इसको आप कहाँ से ले सकते हैं, प्राइस क्या रहेगी, माइलेज क्या रहेगी, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहेगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों अपन मैं इसका आपको चाबी दिखा देता हूँ। तो चाबी कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। इसमें सेम चाबी है जो आपको पीरक में देखने को मिलती है, सेम चाबी इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है और छोटी सी काफ़ी अच्छी चाबी मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको दो चाबी मिलती है, दोनों चाबी आपको एक हैंडल लॉक करने के लिए, एक इसको स्टार्ट करने के लिए। साइड प्रोफाइल देख लो, साइड प्रोफाइल से काफ़ी शानदार लगती है, साइड लुक काफ़ी अच्छी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको जावा की स्टिकर देखने को मिल जाएगी और उसके जो ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको बोपर का आपको स्टिकर देखने को मिल जाती है। नीचे आएंगे तो नीचे आपको बोपर 42 का यहाँ पे अलग से स्टिकर देखने को मिल जाएगी। यहाँ का जो पैनल वगैरह वो काफ़ी शानदार लगती है। सीट की बात करें दोस्तों इसमें आपको सिंगल सीट मिलेगी और अगर कुशनिंग की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट इसमें आपको कुशनिंग देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहीं पे अगर बात करें इसकी जो फ्यूल टैंक उसके बारे में, तो इसमें आपको 13.2 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी है। E20 फ्यूल को भी सपोर्ट कर लेगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका मीटर कंसोल मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। सॉरी, दूसरी चाबी है, इसमें दोनों चाबी है, दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो इसको जैसे अपन ऑन करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ इसको मीटर कंसोल ऑन करके। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, इसमें आपको पूरी तरीके से डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलती है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ इसका भी। यहाँ पर आपको जो है स्पीडो मीटर मिल जाएगी, यहाँ पर RPM मीटर मिल जाती है, यहाँ पर आपको ओडोमीटर मिल जाएगी और साइड में जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है गियर इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाती है और टाइमिंग जो है वो टाइमिंग आपको नीचे में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऊपर जितने भी सेंसर लाइट हैं वो आपको ऊपर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहीं पे अगर बात करें इसकी बटन्स वगैरह की, तो इसमें काफ़ी सारे बटन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लो बीम, हाई बीम एंड पासिंग लाइट का बटन एक ही मिल जाएगी और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा इसका मोड वगैरह सेट करने के लिए बटन मिल जाएंगे। तो चार बटन हैं दोस्तों, तो उसका उपयोग करके आप यहाँ पे मोड सेट कर सकते हैं, काफ़ी शानदार है। सभी आप मोड अलग अलग इसका मोड का उपयोग कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो टर्न लाइट है उसका बटन मिल जाएगी, उसके नीचे आपको हॉर्न का बटन मिल जाती है। राइट साइड में आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाएगी और उसके नीचे आपको हज़ार का बटन मिल जाएगी और हज़ार के नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिलती है। और वहीं पे अगर साइड में आएंगे दोस्तों, तो साइड में आपको यहाँ पे मिरर देखने को मिल जाती है, जो कि छोटी सी है लेकिन काफ़ी शानदार है, काफ़ी मजबूत इसमें आपको मिरर जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहीं पे आप फ्रंट में आ जाइए, फ्रंट की कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले इसके सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में दोस्तों आपको अप साइड डाउन फोर्क देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी शानदार और काफ़ी पावरफुल यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहीं पे अगर बात करें इसकी हेडलाइट की दोस्तों, तो फ्रंट में यहाँ पे पूरी तरीके से LED का हेडलाइट देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे आप 42 का भी मैचिंग देखने को मिल जाएगी। मडगार्ड की बात करें तो ब्लैक कलर में ग्लोसी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे मडगार्ड आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं पर अगर बात करें दोस्तों इसकी टायर की, तो फ्रंट में जो टायर यूज किया गया है दोस्तों वो ट्यूबलेस टायर है। और टायर साइज़ की बात करें तो 90-18 इंच की यहाँ पे आपको टायर साइज देखने को मिल जाती है। यहीं पे व्हील की बात करें तो अलॉय व्हील मिल जाएगी ब्लैक कलर में, ये भी 18 इंच की, इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाती है। और यहीं पे अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, 280 mm की इसमें आपको सिंगल डिस्क देखने को मिलती है। यहीं पे ABS की बात करें तो यहाँ पे ABS भी मिल जाएगी, डुअल चैनल ABS है, तो फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको ABS देखने को मिल जाएगी। तो ब्रेकिंग सिस्टम तो काफ़ी अच्छी है, डबल चैनल ABS के साथ में आती है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ब्रेकिंग में। और क्रूज़र बाइक है दोस्तों और काफ़ी शानदार है। और यहीं पे अगर बात करें इसकी इंजन की, तो दोस्तों इसमें आपको 334 cc की इंजन मिल जाएगी, जो कि लिक्विड कूलेड फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DOHC इंजन इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि 30.64 PS की पावर दे देगी और 32.74 Nm का टॉर्क देखने को इसमें मिल जाती है। तो पावर पिकअप काफ़ी अच्छा है। और कूलिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाएगी, जिसका आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरा इंजन मिल जाती है, नीचे आपको जावा की बैजिंग मिल जाएगी। जो पावर पिकअप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसी वजह से इसमें आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। माइलेज के बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। अब टेल लाइट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है हेलोजन का टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो LED वाला, यहाँ पे आपको हेलोजन का ही टर्न लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगी और नीचे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिलती है। यहीं पे अगर बात करें दोस्तों ऊपर में, तो यहाँ पे आपको कुछ खास चीज़ें नहीं मिलती, सिंगल सीट है तो आपको पीछे साइड में सीट नहीं मिलती है।
टायर की बात करें दोस्तों, रियर टायर की, तो इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगी। और टायर साइज़ की बात करें तो 140, 70, 17 इंच की यहाँ पे आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी पावरफुल टायर साइज़ है और काफ़ी बड़ी साइज़ में मिलती है। व्हील यहाँ पे भी आपको अलावे मिल जाएगी। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों, रियर में जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया गया है वो आपको 240 mm का सिंगल डिस्क यहाँ पे भी यूज किया गया है, और यहाँ पे भी आपको ABS देखने को मिल जाएगी। तो फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको ABS मिल जाएगी, तो ये तो काफ़ी अच्छी है। जिस प्राइस पे आ रही है उस हिसाब से आपको ABS तो मिलनी चाहिए। और यहाँ पे एग्जॉस्ट की बात यहाँ पे अगर सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको मोनोशॉक ऑब्जॉर्वर देखने को मिलती है, ये भी काफ़ी पावरफुल है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है, अगर रास्ता ख़राब भी रहेगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं वाली होने वाली है, तो सभी रास्तों के लिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इसमें आपको कम्फर्टेबल राइड मिलेगी। ठीक है, अब यहीं पे दोस्तों इसकी कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे माइलेज वगैरह की। तो इसमें कंपनी क्लेम करती है कि 40 के आसपास क्लेम करती है, लेकिन 30 का आप इसमें माइलेज मान के चलिए। एक और चीज़ है दोस्तों जो मैं आपको बताना बोला था, जो कि इसका गियर, तो इसमें दोस्तों 6 गियर सेटअप देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पावरफुल इसमें आपको गियर सेटअप देखने को मिलेगी। 6 गियर है, काफ़ी अच्छा है। यहीं पे दोस्तों जो इसका एक और चीज़ है, जो कि साइड डिस्टेंट इंजन किल स्विच, तो ये ऑप्शन भी मिल जाएगी। इसके बारे में तो सारे वीडियो में बता ही दिया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। इसका काम ये है कि अगर आपकी इंजन स्टार्ट है और साइड डिस्टेंट में लगा देंगे तो आपकी इंजन बंद हो जाएगी, और बंद है तो जब तक आप साइड डिस्टेंट नहीं हटाएंगे आपकी इंजन स्टार्ट नहीं होती है। यहाँ पे 1929 की एक और बेजिंग देखने को मिल जाएगी, जो जावा का है उसका, तो ये काफ़ी अच्छी फुटेज की बात करें तो ये एडजस्टेबल है, लेकिन स्प्रिंग लगी है तो आपस से अपनी जगह पर ही आ जाती है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट आप कर ही पाएंगे। अब यहीं पे इसके कुछ और फीचर हैं उसके बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका जो प्राइस वगैरह की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस अभी चल रहा है 242,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। और ऑन रोड प्राइस जाना है तो आप एक बार शोरूम आ जाइएगा, शोरूम आने के बाद आपको ऑन रोड प्राइस बता दिया जाएगा। ये अभी एक शोरूम प्राइस है 242,000 रुपये। यही पे दोस्तों बात करेगा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की, तो इसमें आपको 132 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। और अगर 132 का ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील बेस की बात करें तो 1485 mm का इसमें आपको व्हील बेस है वो देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इसके वेरिएंट एंड इसके कलर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बताऊँगा कि इसको आप कहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, नेबुला ब्लू है, स्टार लाइट ग्रे है, मिड नाइट ग्रे है, जस्पर रेड है, और पोंटिसिस ब्लू इसमें आपको देखने को मिलेगी। वेरिएंट की बात करें दो वेरिएंट है, सिंगल सीट वाली वेरिएंट है और डबल सीट वाली वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसको आप कहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बिलासपुर में, तो यहाँ पे बिलासपुर में शोरूम है जावा का, तो यहाँ के आप इसको ले सकते हैं। शोरूम का पूरा डिटेल दोस्तों आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिए गए हैं, वहाँ आपको एक नंबर भी मिल जाएगी, इस नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं तभी कॉल कीजिएगा, बाहर से हैं तो प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बाहर का अपन प्राइस बता पाएंगे नहीं, बाहर डिलीवरी कर पाएंगे। तो अगर बिलासपुर से हैं तभी कॉल कीजिए, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।